हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे जितनी बड़ी है, जितनी विशाल है ना, उतनी थोड़ी थोड़ी कभी कभी अजीब भी लगती है। अब बात यह है कि अभी हाल में ही एक खबर निकलकर सामने आई थी कि हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो ये प्लान कर रही है कि जो कोचेज और ट्रेन्स हैं उनको हम बाहर से लेकर के आएंगे। मतलब अभी तक होता ये था कि हमारे जो ICF चेन्नई है या फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, यहीं पे कोचेस बनते थे। लेकिन अब रेलवेज का प्लान ये है कि बाहर से कोचेस लेकर के हम आएंगे। तो अगर हम बाहर से कोचेस को इंपोर्ट करेंगे या फिर चलो यहीं पे अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी से कोचेस बनवाएंगे, तो जाहिर तौर पे जो ये जो फैक्ट्रीज हैं इनको तो बंद करना पड़ेगा ना। मतलब ये तो बेकार हो जाएंगी पूरी तरह से। प्रपोजल में ये तक बोला गया था कि जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ट्रेन सेट्स के, उनको हम खरीदते हैं। अगर उनको खरीदने के बजाय अगर हम पूरी ट्रेन को ही खरीद लें तो कितना अच्छा रहेगा ये चीज़। चलो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि ऐसा होने से जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी और एडवांस हो जाएगी, रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ऑपरेशन और स्मूथर होंगे और मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। और जाहिर तौर पर जो हमारी रेलवेज अभी लॉस में चल रही है, शायद ये सब होने से थोड़ा सा रेलवेज ऊपर उठ जाए। चलो ये मान लेते हैं कि ये जो सारे तर्क हैं वो बिल्कुल सही है और ऐसा होने से हमें और बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन हम क्या खोने वाले हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई यानी कि ICF, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यानी कि RCF और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली यानी कि MCF, ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ICF चेन्नई के पास तो रिकॉर्ड है करीब 3000 LHB कोचेस बनाने का। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास तेजस, गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, तो वो सब भी इन्हीं के बदौलत हैं। इन सभी फैक्ट्रीज ने हमारी रेलवेज को बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज दी हैं। और कहीं ना कहीं हमारी रेलवेज में जो विस्तार हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन सभी का श्रेय इन सभी को जाता है। चलिए, पॉजिटिव की बात तो हमने स्टार्टिंग में ही कर ली, पर हमें क्या लॉस होने वाला है, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर जो कोचेज हैं या फिर ट्रेन सेट्स हैं उनको बाहर से लाया गया या फिर यहीं पे किसी प्राइवेट कंपनी से बनाया गया, तो जो एम्प्लॉयमेंट का लॉस है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब इन फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है ना, उस पर बहुत असर पड़ने वाला है चीज़ से। और दूसरी बात ये कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी हमारे लिए ऐसे कोचेज और ट्रेन सेट्स बनाती है, तो जाहिर तौर पे वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, तो जाहिर तौर पे जो लेबर होगा, जो लेबर का चार्ज होगा, वो बहुत सस्ता होगा। मतलब उनको सस्ते नौकर चाहिए होंगे। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टिकट कॉस्ट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से बात करते हैं कि आज के डेट में जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसको बनाने का जो खर्च है वो करीब 250 करोड़ रुपए का है। मतलब अगर वो ट्रेन कहीं बाहर बनती है ना, तो उसका जो कॉस्ट है वो करीब 250 करोड़ रुपीस होगा। लेकिन हमारे ICF चेन्नई में यही वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 97-100 करोड़ रुपीस में बन के तैयार हो जाती है। तो जाहिर तौर पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट होने वाला है कोचेज और ट्रेन सेट्स का, वो ज़्यादा होगा। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो जाहिर तौर पर कंपनीज इसको वसूलने के लिए टिकट्स के प्राइस जो हैं उसको बढ़ाएगी ही। खैर, भला हो AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे वैन फेडरेशन का, जिनके दखल के बाद ये जो मामला है वो थोड़ा शांत हुआ है। पर फिलहाल इंडियन रेलवेज अपनी दो ट्रेनें चेन्नई मदुरई तेजस और आने वाली लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस को लीज पे देने वाली है 60 करोड़ रुपीज़ में। और आने वाले वक्त में वंदे भारत एक्सप्रेस को भी ऐसे लीज पे देने का सोचा गया है। मतलब यहाँ पे वो कंपनी ये लीज का अमाउंट पे करके इन ट्रेनों को अपने मुताबिक चलाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि इन ट्रेनों से वो बहुत फ़ायदा निकाल सके। पर यहाँ पे एक और बात सामने आती है कि ये जो तीनों ट्रेन्स होने वाली हैं, ये जाहिर तौर पे प्रॉफिट मेकिंग ट्रेन्स हैं। मतलब वंदे भारत की बात करें या फिर चेन्नई मदुरई तेजस की बात करें, ये दोनों ही ट्रेन्स तो फिलहाल बहुत अच्छा चल रही हैं। और वहीं आने वाली लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस भी अच्छा ही करने वाली है, क्योंकि इस रूट पर चल रही है और इस रूट पर ऐसी ट्रेन्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ट्रेन्स ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही हैं या फिर चलने वाली हैं, तो हम उनको लीज पे क्यों दे रहे हैं। मतलब रेलवे इतना भी उन ट्रेनों से लॉस में नहीं जा रही है कि उनको लीज पे दे दे। खैर, प्राइवेटाइजेशन की बात सुन करके जो हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत परेशान हैं। हाँ, फुल्ली प्राइवेटाइजेशन से ट्रेन की जो सूरत है वो अच्छी ज़रूर से हो जाएगी, पर इसका जो असर है ना, वो बहुत लोगों पर पड़ेगा। माना ग्रोथ स्लो है, पर एटलीस्ट हम खुद के दम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं जिसकी तारीफ दुनिया करती है। अब वही वापस से फिर से हम बाहर सब कुछ लेकर के आएंगे, तो शायद जो हमारे यहाँ यंग जनरेशन है ना, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भी किसी और के यहाँ काम करेंगे। मतलब जो हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो बाहर जाके उन कंपनीज़ की हेल्प करेंगे, और वही कंपनीज़ हमें हाई कॉस्ट पर हमारे ही लोगों द्वारा बनाई गई इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम ही को बेचेंगी। खैर, ये मेरा ओपिनियन है कि शायद हमें अपनी टेक्नोलॉजीज़ को खुद से बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर से टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आएंगे तो हम मॉडर्न ज़रूर हो जाएंगे, पर शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
खैर दोस्तों, आप सभी का इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। फिलहाल थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।